कल एक बच्चे का जो है अपहृत होने का जो सूचना दीघा थाना को प्राप्त हुआ था, तो दीघा थाना ने त्वरित कार्रवाई करी थी। यहाँ पे स्टार्ट हुआ हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन और हमने जो है टेक्निकल सारे जितने भी एविडेंसेस प्राप्त करने की कोशिश की। तो उसके दौरान रात में जब काफ़ी देर हो गई, एविडेंसेस जब हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो पता चला कि सीसीटीवी से ऐसा देखा गया कि बच्चा जो है एक तरफ जा रहा था स्कूल के अंदर के प्रीमाइसेस में ही, और वापस उधर से आता हुआ नहीं दिख रहा था। और इस पूरे घटना के दौरान जो है स्कूल के जो है कुछ मैनेजमेंट की टीम भी थी जो मदद कर रही थी एविडेंसेस दिखाने में। तो उसके बाद जो है स्कूल के ही दो लड़कों ने ये कबूल किया कि जो है बच्चे की जो है शव को स्कूल के रूम में ही एक जो है सेवर के लिए जो एक स्पेस बना हुआ है फ्लोर के नीचे उसमें जो है रखा गया था। तो उसको बॉडी को वहाँ निकलवाया गया पुलिस के द्वारा जो है, और वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है पुलिस और प्रशासन की मदद से जो है तोड़फोड़ करने से बचाया गया था स्कूल को। और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को जो है वो बच्चे की वो ले गए थे घर के परिवार वाले उनके। उसके बाद जो है सुबह में हमने ये विधि व्यवस्था के मद्देनज़र जो है फोर्स जितनी आवश्यकता थी वहाँ पे आई थी, और पता चला कि दो और जगहों पर जो है इन्होंने लोकल रोड पर जो है जाम किया था। तो इसी अस्त व्यस्त में जो है इन्होंने स्कूल के प्रांगण में जो है आग लगाने की कोशिश की, और इसमें जो है हमारी जो है महिलाएं जो है बल जो आ गई थी, महिलाएं जो लोकल पब्लिक मतलब आ गई थी, और हमारे बल जो है जो पुरुष थे तो उन्होंने उनके साथ जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा आग लगने में वो लोग सफल हो गए और आग जो है फर्स्ट फ्लोर के दो रूम्स को जो है ज़्यादा क्षति पहुंची है। उसके बाद तुरंत FIR फायर की टीम को बुलाया गया, और फायर की टीम ने जो है तुरंत जो है आग पे जो है काबू कर लिया है। और अभी जो है कोई जान की क्षति तो नहीं हुई है, कुछ माल की जो है कॉपी किताब वगैरह जो है उसमें आग लगी है। कितने गिरफ्तारी हुई अब तक? जो पहले जो अपहरण वाला जो पूरा प्रकरण था उस कांड में जो है हम लोग जो है अभी हम लोग हत्या मान के इसको अनुसंधान करेंगे, और इसमें जो है अभी तीन लोगों को डिटेन किया गया है, और जो तीनों लोगों का जो है अभी उनसे पूछताछ जारी है क्या क्या किसकी किसकी संलिप्तता थी, इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जब अनुसंधान समाप्त होगा उसके बाद ही आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या किसकी किसकी थी। उन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं आवेदन में, जो उन्होंने लिखित दिया है उसमें कुछ आरोप लगाए हैं, और उन पर भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। हर चीज़ की जाँच जो है गंभीरता से और गहराई से करने के पश्चात ही जो है हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि क्या वजह थी कि उनकी जो है ये इसके साथ किया गया। एक और सवाल, ये बच्चे नहीं पहुँचे जब घर, तो उसके बाद कोई अपहरण का दर्ज मामला हुआ था क्या? इसमें देखिए ऐसा हुआ था कि 2 घंटे जो है का गैप है, जो हमारे जो अभी तक जाँच आई थी उसमें ये आया था कि जो लेट से सूचना दी गई घर वालों को, जब बच्चा नहीं मिला उसके 2 घंटे लेट से बच्चे को सूचना दी गई घर वालों को, क्योंकि यहाँ से वैन से वो जाता था बच्चा, तो वो विलंब के कारण पे भी हम लोग जो है अभी जांच कर रहे हैं और सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, और जो भी आगे निष्कर्ष निकल के आता है वो हमारे अनुसंधान में जो है आएगा। अग्रतर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हम अप्लीकेशन जाके थाना में दिए उसके बाद भी नहीं पुलिस नहीं पुलिस कंप्लेन मेरा दर्ज नहीं हुआ, रिसीविंग तक थाने वाले नहीं दिए। सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ, 5 बजे थाना को सूचना दिया गया, और थाना 5 बजे लोगों को सूचना दिया गया, इन लोगों को परिजन को, और थाना को सूचना दिया गया काफ़ी देर से रात में, और थाना जब जैसे ही सूचना दिया गया थाना यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इन लोगों के साथ पूरे जगह को छानबीन किया गया, हम लोग खुद मॉनिटर कर रहे थे, SDPO साहब खुद हमारे आए हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आवेदन नहीं लिया, और आवेदन ये सब जो अभी यहाँ पे आगजनी की घटना हुई इससे पहले ही आवेदन उन्होंने ले लिया था, और FIR की कार्रवाई जो है वो अग्रतर हो चुकी थी सारी चीज़ें। इसमें देखिए ये इशू है कि हम अपील करते हैं कि देखिए कभी भी कुछ होता है तो अगर आप जो है कानून व्यवस्था को अगर मदद नहीं करेंगे तो ये आप ही के लिए घातक होगा, और हमारे लिए क्या है कि हम एविडेंसेस कलेक्ट करने में हमें दिक्कत होगी, उससे जो है जेल में या जो भी न्याय आपको दिलाना उचित है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपील है कि कृपया शांति से जो है प्रशासन को मदद करें, पुलिस को जो है आपके लिए हमेशा खड़ी है, हम लोग शुरुआत से उनको ये आश्वासन देते रहे थे
रात से ही हमारा आश्वासन था कि हम लोग पूरा जो है एकदम गंभीर जो मामला है ये इस पर एकदम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमने डिटेन भी किया लोगों को, हमारे मदद से ही एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे, हमारे मदद से ही जो है उसकी बॉडी को भी जो है पाया गया था। इसलिए हमारी अपील रहेगी कि हमेशा शांति से जो है हमारा जो भी कार्रवाई होता है उसमें मदद करें।